दोस्तों आज पेटीएम गोल्ड का ऑफर क्या है, तो चलिए आपको हम बताते हैं कि से मिल सकते हैं आपको पेटीएम गोल्ड और भी 40 का मिल जाए, पूरे 40 रुपये मिलेंगे। तो क्या करना है आपको, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखना और वीडियो को कर देना लाइक अगर आपको वीडियो पसंद आई। तो क्या करना है आपको, यहाँ मोर ऑप्शंस दिख जाएगा, तो यहाँ मोर ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। मोर ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर बैक जाइए, यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स दिख जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो यहाँ सर्च बॉक्स में GOLD गोल्ड लिखेंगे, ठीक है। यहाँ गोल्ड आ जाएगा, तो गोल्ड पर क्लिक कर दीजिए। गोल्ड पर क्लिक करने के बाद में यहाँ आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा होगा इंटर अमाउंट, यहाँ पर लिखा होगा इंटर अमाउंट, तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो कीबोर्ड खुल जाएगा। तो यहाँ लिखना है 40, और थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखना, हैव अ प्रोमो कोड, यहाँ पर अगर कोई भी मिस्टेक हो गई तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर लिखना है फ्री 40 लिखना है, FREE40, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों ये लिखा है अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए, अप्लाई पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ अप्लाई हमारा प्रोमो कोड हो चुका है, यहाँ देख लीजिए अप्लाई हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखना भाई यार, क्योंकि इसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ गई तो फिर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो ये आपके यहाँ नेम मांगे, पिन कोड मांगे, तो पिन कोड क्या है कोई भी नाम दे दीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए, और आप पिन कोड में भी दे दीजिए 2252104 भी दे दें, ठीक है, कोई भी दे दीजिए, इंडिया का ही देना। उसके बाद प्रोसेस पर क्लिक करना है, ठीक है। प्रोसेस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट में 40 रुपये आ जाएंगे, अभी देखना है 40 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए हमारे अकाउंट में 40 रुपये आ गए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आपको हम बताते हैं ये ट्रांसफ़र कैसे होंगे। तो मैं दूसरे पेटीएम अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँगा। दोस्तों अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो फिर से मोर ऑप्शंस पर और गोल्ड में जाएंगे। गोल्ड में जाने के बाद में देख ले, ठीक है, मैं फिर से गोल्ड में, और यहाँ पर लॉकर में देखते हैं कि मेरे में आखिर में पैसे आए हैं या नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि 38 रुपये आ गए हैं, ठीक है, 3% GST कट जाता है, ठीक है। तो चलिए बैंक अकाउंट में अगर ट्रांसफ़र करना है दोस्तों, अगर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो सील गोल्ड पर करेंगे, अगर दूसरे पेटीएम अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ गिफ्ट गोल्ड पर क्लिक करेंगे। जब सील गोल्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका अमाउंट मांगेगा कितने रुपये भेजना है, तो यहाँ पर जितने लिखे हों उतने लिखना होगा यहाँ पर, तो 37 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ प्रोसेस लिखा है, प्रोसेस पर क्लिक कर दीजिए। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग नहीं देख रहे हैं, कुछ लोग नहीं जानते। यहाँ पर अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा, दोबारा बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा, और यहाँ पर नेम डालना होगा, और IFSC कोड डालना होगा। उसके बाद प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। IFSC कोड आपको वहाँ से मिलेगा, आपके खाता संख्या में, पासबुक में लिखा होगा, ठीक है, खाता संख्या जहाँ होता है, ठीक है, वहाँ पर लिखा होगा, तो वो देख लीजिए, ठीक है। तो मैं दूसरे पेटीएम अकाउंट में ट्रांसफ़र करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो वो तो जानते ही होंगे। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो को अगर नहीं किया है वीडियो को लाइक, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं डेली वीडियो आपके लिए बनाता हूँ कि कौन सा ऑफर चल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर अपने अगर दोस्तों अपने व्हाट्सअप ग्रुप में वीडियो को किया नहीं है शेयर, तो वीडियो को कर दीजिए अपने व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।